नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षक भर्ती शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग तीन से संबंधित टॉपिक पर। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वर्ग तीन में अतिथि शिक्षकों का 75 अंक में भी हो सकता है सिलेक्शन। वर्ग तीन में अतिथि शिक्षकों का पासिंग मार्क्स में भी हो सकता है सिलेक्शन। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो हाँ, ये ज़रूर है कुछ कैटेगरी में उम्मीद बताई जा रही है, जैसे कि SC व ST कैटेगरी में उम्मीद है कि पासिंग मार्क्स यदि अंक आते हैं तो इन कैटेगरीज में अतिथि शिक्षकों का सिलेक्शन हो सकता है। बाकी आपका फाइनल रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद आने के बाद इसकी संभावना किस प्रकार रहती है, इस पर हम शीघ्र ही वीडियो लेकर आएंगे। अतिथि शिक्षकों का जो सिलेक्शन है वह कितने अंकों तक हो जा सकता है, इसके सबसे बड़े कारणों प्रमुख कारणों पर हमने अब वीडियो बनाया है। यदि आप देखना चाहें तो उसके लिंक ऊपर बटन पर दी गई है। साथ ही साथ अतिथि शिक्षकों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी हमने वीडियो बनाया है, यदि आप देखना चाहें तो उसकी लिंक इस वीडियो के इंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। ये भी निश्चित क्लियर है लगभग, क्योंकि हम श्योर तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक संभावना बताई जा रही है कि अतिथि शिक्षकों का पासिंग मार्क सिलेक्शन हो सकता है। यदि पासिंग मार्क से समथिंग है, जो एक कट ऑफ है, एक कुछ है, इसी प्रकार बनाई गई है, जो अतिथि शिक्षकों के संपूर्ण नंबरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और नॉर्मलाइजेशन के बाद उससे संबंधित बेहतरीन से बेहतरीन हम कट ऑफ लेकर आएंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आएंगे। तो जो वर्तमान में जानकारी है, विशेष तौर पर SC और ST कैटेगरी का 75 अंक में हो सकने के चांस सिलेक्शन के हैं, लेकिन OBC और जनरल कैटेगरी में पासिंग मार्क्स में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और इसके प्रमुख कारण क्या है। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार मित्रों।